तो आखिरकार ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों, मोटोरोला अपकमिंग स्मार्टफोन मोटोरोला G60 इंडिया में G40 फ्यूजन नाम से लॉन्च होने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ घटाया गया है दोस्तों, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आखिर आपको मिलने क्या वाले हैं मोटो G40 फ्यूजन में, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप अंत तक देख ले, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो किसी भी टेक रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे मूव करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट पे। यहाँ जो आपको प्रोसेसर दिया जाएगा, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर होने वाले हैं। ये एक 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है, मतलब ये प्रोसेसर एक गेम एक्सपर्ट प्रोसेसर है दोस्तों। कुछ भी मल्टीटास्किंग आप यहां बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों यहां आपको 6.78 इंचेस का एक डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि HD प्लस डिस्प्ले होने वाले हैं दोस्तों। यहां आपको पॉजिटिव पॉइंट 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। ये एक LCD डिस्प्ले होने वाले हैं दोस्तों। Moto G40 फ्यूजन में जो आपको कैमरा सेटअप मिलने वाले हैं दोस्तों, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। टेकलीक्स कुछ इसी तरह का कंफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मेन शूटर 64 मेगापिक्सल का होने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको रियर में और दो सेंसर दिया जाएगा, जो कि एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होने वाले हैं और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा। फ्रंट शूटर की अगर बात करें तो दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का एक AI सपोर्टेबिलिटी सेल्फी शूटर मिल जाएगा, जो कि आपको बेहतरीन फीचर देने के लिए काफी है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम रैम वेरिएंट और इंटरनल स्टोरेज की, तो यहां आपको दो रैम वेरिएंट मिलने वाले हैं दोस्तों, 6GB 4GB का होने वाले हैं। इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट आपको 64GB 128GB का देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहां आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही एंड्रॉइड 11 का सपोर्टेबिलिटी दिया जाएगा। अब हर मोबाइल में बैटरी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं दोस्तों। यह आपको मोटो G40 फ्यूजन में 6000 mAh का एक मैसिव बैटरी दिया जाएगा। यहां आपको USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा। मोटो G40 फ्यूजन किस तरह का दिखेगा दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर कलर डिटेल्स की बात करें तो यह आपको दो कलर वेरिएंट में मिलने वाले हैं, सी ग्रीन उसी के साथ साथ एस। अगर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों आपको NFC छोड़ के सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएगा। आपको अपडेटेड ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ वाईफाई सपोर्टेबिलिटी दिया जा रहा है। आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल दिया जाएगा, और यहाँ आपको एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी मिल रहा है। अब दोस्तों आप दो चीज जानना चाहेंगे, क्या ये 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं, उसी के साथ साथ इसका प्राइस डिटेल्स। तो ये 5G स्मार्टफोन नहीं होने वाले हैं दोस्तों, उसी के साथ साथ ये आपको 20,000 के अंदर इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। फिलहाल स्पेसिफिक डिटेल्स इसके ऊपर अभी तक नहीं आया है, अगर आता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो ये थे दोस्तों मोटोरोला अपकमिंग स्मार्टफोन मोटोरोला G40 फ्यूजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए नो मोस्ट टाइम, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।